हे गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग जो हमारा होने वाला है थोड़ा सा खास होने वाला है, क्योंकि ये व्लॉग आपने तो वैसे तो थंबनेल देख ही लिया है कि हथनी कुंड के लिए होने वाला है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूं तो इस व्लॉग में मतलब हम तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर यहाँ ट्रैकिंग करने वाले हैं जयपुर के अंदर, और सुबह सुबह का जो सनराइज़ का टाइम है वो हम यहाँ पर कैप्चर करने वाले हैं। तो ये सारा जो वीडियो है आपको फ्लैशबैक में दिखने वाला है, क्योंकि ये वीडियो मैंने अभी बनाया है और जो वीडियो मैंने स्टार्ट किया है वो सुबह 5 बजे से स्टार्ट किया, तो मैं सारा आपको वीडियो दिखाऊँगा। तो चलना पड़ेगा आपको उसके लिए थोड़ा फ्लैशबैक में, तो चलिए फ्लैशबैक में चलते हैं और फिर करते हैं आपसे बात। वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, चलो उठते हैं। अभी यार सुबह के 5:45 हो चुके हैं और आनंद ने कहा था कि वो 5:30 बजे आ जाएगा, बट वही बात है, लेट होना है तो लेट होना ही है, और अभी फोन भी नहीं उठा रहा है, देखते हैं कितनी देर में आता है। चलो भाई आनंद आ गया, चलते हैं अभी। गए हैं भाई चरण मंदिर जो नारगढ़ पहाड़ी पर स्थित है, और अभी चल रहे अपन ट्रैकिंग की साइड में, और आज हमारे साथ फिर से है आनंद। ट्रैकिंग टाइम पे मैं रहता हूं। तो भाई ऐसे कुछ ट्रैकिंग स्टार्ट होती है यहाँ पे। गाड़ी हमने वहाँ पार्क कर दी है चरण मंदिर के सामने, बहुत सारे लोग हमने देखे यहाँ पे ट्रैकिंग के लिए आए हुए हैं, तो देखते कितने लोग मिलते हैं नीचे। तो भाई नारगढ़ जयगढ़ तो काफी बार आया हूँ मैं, और फर्स्ट टाइम ये जो ट्रैकिंग है ये मैं फर्स्ट टाइम करने आया हूँ, और भाई काफी मतलब कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है। चारों तरफ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ, कुछ दिख नहीं रहा है, मतलब 100 मीटर तो ज्यादा बोल दिया मैंने, 50 मीटर या 30 मीटर से ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा आगे का। और भाई नीचे जो है बहुत ही मतलब पत्थर पड़े हुए हैं, यहाँ पे ग्रिप भी नहीं बन रही है, तो थोड़ा ध्यान से चलना पड़ रहा है। इधर को दिखा दो, यहाँ पे मतलब लड़कियाँ भी आई है ट्रैकिंग के लिए, तो आप देखिए। लेकिन जींस पहन के ट्रैकिंग कौन करता है यार, ये समझ में नहीं आया मुझे। अच्छा हाँ दिख तो रहा है यार पानी के निशान यहाँ से, मतलब यहाँ से पानी जाता होगा जब बरसात आती होगी। सही है भाई, मस्त लगता होगा फिर तो, हरा भरा पूरा चारों तरफ जंगल। तो देना मेरे को यार, अपने व्यूअर्स को दिखाऊंगा मैं कि बरसात के टाइम पे कैसा दिखता है। ऑल मूवी का हमें कुआं मिला है रास्ते में, भाई ये देखो क्या गड्ढा हो रखा हो भाई साहब, यहाँ पे क्या मतलब सुनामी आई थी क्या या बाढ़ बाढ़ आई थी, ये देखो यार कितना गहरा गड्ढा हो रहा है इधर। तो भाई ये रहा वन अदर ग्रुप, ये तो थोड़ा खतरा है। हाँ भाई थोड़ा ध्यान से आना इधर, ये तो बहुत शार्प एजेस हैं इसके तो। और अभी हमें जाना है कहाँ पे जाना है, ओहो भाई लोग कहाँ कहाँ चढ़े हुए देखो। तो भाई अपने को अब जाना इधर से है, तो चाहे इधर से रहे और नीचे देखिए लव बर्ड्स, तो हम इधर से जाएंगे अब। काफ़ी सही है यार, ओहो ये तो बहुत खतरनाक है यार आगे, चलो खतरों के खिलाड़ी तो है अपन। इधर से गिरता है ना तो वो तो ऊपर से शॉट आएगा बढ़िया। और भाई ये वाला जो है ये थोड़ा डेंजर है भाई, ये दिख रहा होगा मेरे पीछे कितना खतरनाक है, देख भाई आनंद संभाल के आना भाई। अपने को यार अपना टारगेट था कि अपन सनराइज इधर से देखेंगे, बट वो हो ना सका। ओहो खतरनाक है यार भाई यहाँ से खाए, ये देखो जो वाटरफॉल चलता है भाई, ये जो पॉइंट आपको सामने दिख रहा है ये है वाटरफॉल यहाँ का। बरसात के दिनों में यहाँ पे मतलब पानी चलता है और मस्त यहाँ पे नदी की तरह बहता है, और देखिए कितनी प्यारी घाटियाँ हैं। कुछ निशान हो रहे मिट्टी के, उधर जाके पानी गिरता है और वहाँ से मतलब पूरी धारा आती है। और भाई यहाँ से देखिए सनराइज़ हुआ है अभी थोड़ी देर पहले,
अभी हम चल रहे हैं और ऊपर। यहाँ पे किसी बुद्धगिरी नागा बाबा के चरणों के निशान है। अभी यहाँ से नीचे उतरना है यार वापस से, लेकिन अभी अपन जा ही रहे हैं, आ नहीं रहे हैं। और भाई अभी बहुत सारे ग्रुप्स अपने को रास्ते में मिले और आगे भी आवाज़ आ रही है काफ़ी ज़्यादा। तो भाई अभी अपन वहाँ से आ रहे हैं, तो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखिए वो जो मैंने आपको वाटरफॉल के लिए बताया था वो वाला लोकेशन है। और अभी हम जहाँ जिस लोकेशन पे खड़े हैं ये लास्ट पॉइंट है, इससे आगे फिर नीचे मतलब और जाता है और आगे जंगल स्टार्ट हो जाता है। तो ये वाला जो पॉइंट है बरसात के टाइम पे तो यार क्या लगता होगा, चारों तरफ से दिखा देता हूँ मैं आपको। और काफ़ी सारे लोग यहाँ आए हुए हैं ऑलरेडी। तो भाई जहाँ पे वाटरफॉल का पानी जाता है और हम उस जगह को पास जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब नीचे उतर रहे हैं। तो भाई ये अपने पास में एक मंदिर भी आ गया यहाँ पे, जो भी फिलहाल बंद है, अभी सुनसान है सारा। रास्ता है जाने का तो नीचे से होगा ना इसका रास्ता। ओ भाई बंदर को बांधा हुआ यार यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए। ओए पांव फिसला, जो कि मेरा फिसल गया था, तो सीधा खाई के अंदर जाएगा आदमी। और दोस्तों यहाँ का जो टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा नीचे है, तो ठंडक काफी ज्यादा है यार यहाँ पे। मतलब राजस्थान जयपुर के अंदर आप खड़े हो और ऊपर सच में गर्मी थी, और यहाँ पे टेम्परेचर मतलब 10 डिग्री का तो फर्क होगा, क्योंकि यहाँ पे पानी ज़्यादा है, वो थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा। तो ये कुछ पानी बचा है वाटरफॉल का, भाई संभाल के संभाल के। यहाँ मेरा एक बार पाँव फिसला था, अभी उधर चलना है क्या जहाँ पे पानी गिरता है? अच्छा यहाँ तो थोड़ा बहुत अवशेष पड़े पानी के, तो अपन जाएंगे उधर जहाँ से वाटरफॉल का पानी गिरता है भाई। और ऊपर आपको पब्लिक दिख रही होगी है, रात को ज्यादा होता है, ऐसा क्या करते हैं रात को? रात को पीने के बाद ज्यादा दिखता लगता है। चलो भाई ये कौन सा मंदिर है, हाथुनेश्वर महादेव। तो यह है कुछ हाथुनेश्वर महादेव मंदिर। फाइनली भाई पहुंच गए अपन वहां पे। तो मंदिर तो पूरा भीग जाता होगा यार। यहाँ से पूरा पानी बह के निकल जाता इधर से। और भाई ये देखिए जयपुर में यार ऐसी जगह एक्सपेक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, बट है यार यहाँ पे। मतलब देहरादून हिमाचल में ऐसी घाटियाँ देखी थी जहाँ पे पानी के लिए इतना प्यारा मतलब झरना बना हुआ है, और आपको एक गड्ढा भी दिख रहा होगा जहाँ से पानी गिरता है, मतलब तो वहाँ गड्ढा हो जाता है। तो भाई पूरे तेज़ी के साथ इस वाले कट से पानी आता है और यहाँ गड्ढा आपको दिख ही रहा होगा। और जड़े देखे यार इस पेड़ की, जो पहाड़ों के अंदर से निकल रही है, ये देखो भाई। तो अपन कोशिश करेंगे इस बार मानसून में यहाँ पर आने की और यहाँ का जो लाइव वीडियो आपके लिए लेकर आने की। तो फिलहाल तो आप देखिए, तो भाई ये देखिए लड़कियाँ भी यहाँ पर हमारे साथ आके गई हैं। तो अभी जा रहे हैं इस और भी नीचे। और भाई वो था सबसे बड़ा वाला जो मैंने आपको पास से दिखाया, और ये है दूसरा वाला, मतलब वहाँ से जो पानी आता है वो यहाँ से निकलता है फिर। तो यहाँ पे तो अभी पानी थोड़ा रुका हुआ है, फिर इसके बाद एक और है भाई, और बाकी फिर नीचे फ्लैट सरफेस है और सीधा जंगल है। अपन ने कितने स्टेप्स चल दिए, 2716, 1.5 किलोमीटर है यार ये। तो 1.5 किलोमीटर का ट्रैक हो चुका है कंप्लीट। तो भाई बाकी अगर आप आगे जाना चाहो तो आगे भी काफ़ी मतलब जंगल है। तो भाई नेक्स्ट टाइम हम यहाँ पर मानसून के अंदर आएंगे और आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे मतलब जब बारिश का पानी आता है तो किस तरीके से यहाँ की मतलब जो पिक्चर है पूरी चेंज हो जाती है। जैसे कि अभी आपको सूखा सूखा सब कुछ दिख रहा होगा मेरे पीछे, बट फिर यहाँ पे हरा भरा हो जाता है और चारों तरफ यहाँ पे पानी पानी मिलेगा आपको फिर। और दूसरा यार यहाँ पे मतलब आपको सांप बिच्छू ये छोटी छोटी चीज़ों से मतलब बच के भी रहने की ज़रूरत है जब बरसात का टाइम आता है, क्योंकि अभी तो सूखा टाइम है तो अभी तो कोई ऐसी टेंशन नहीं है, बट यहाँ पे बताया जाता है कि जैसे कि सांप और ये जो बिच्छू वगैरह है तो ये काफ़ी मात्रा में यहाँ पे मिलते हैं। दूसरा दूसरे जंगली जानवर भी यहाँ पे मिलने की संभावना रहती है, क्योंकि ये अरावली
हिल्स के अंदर पड़ता है। तो अरावली हिल्स तो आप जानते हो कि पैंथर और काफी सारे अलग अलग जानवर यहाँ से वहाँ होते रहते हैं। और पीछे मेरे जो आपने देखा वो पूरा जंगल था भाई। ये देखिए कितना बड़ा ग्रुप वहाँ पे जा रहा है जहाँ से हम होकर आए भी लास्ट पॉइंट पे। और भाई लड़कियां भी है, इनकी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी भाई। भाई सूरज देखिए कितना ऊपर आ चुका है और धूप धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और गर्मी भी बढ़ती जा रही है इस कारण से। और भाई थोड़ा नीचे के साथ साथ सामने भी देख कर चलना पड़ेगा क्योंकि जो झाड़ियां हैं इनमें नुकीले कांटे हैं जो आपकी आंखों को या फेस को डैमेज कर सकते हैं। थोड़ा ध्यान रख के क्योंकि देखिए भाई ये सूखे जरूर है, आप नीचे ध्यान दोगे तो आपकी आंखों में घुस सकते हैं। दोनों तरफ का ध्यान होना जरूरी है। तो यार दोस्तों लोगों का अपना अपना तरीका यहाँ पे ट्रैकिंग करने का, क्योंकि कुछ लोग यार अपने साथ स्पीकर लेकर आते हैं, थोड़ा माहौल बन जाता उससे। तो ये चीज तो मैंने यार केदारनाथ में भी देखा था और हेमकुंड साहिब में भी देखा था कि लोग बाग स्पीकर लेके चलते हैं और ग्रुप में होता है तो काफी ज्यादा मजा आता है। तो भाई वहां से शंखनाद कर रहा है तो लोग बाग यहाँ पे मस्ती भी कर रहे हैं यार, चिल्ला रहे हैं। तो ये देखो भाई ग्रुप अभी भी आने लग रहे हैं यहाँ पे। तो चलते चलते अपनी लेस खुल गई भाई। और भाई ट्रैकिंग के टाइम पे लेस तो बिल्कुल टाइट होना जरूरी है। तो दोस्तों टाइम देखिए 7:31 और कुछ लोग अभी ट्रैकिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों की नींद थोड़ा लेट खुली है तो वो ट्रैकिंग करने के लिए अब आए हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा हम पूरी ट्रैकिंग करके अब आ चुके हैं, तकरीबन 7:45 बज चुके हैं और अभी हम मतलब अपने घर की तरफ निकलने वाले हैं। तो आपने देखा होगा किस तरीके की ट्रैकिंग थी। तो जयपुर में अगर आप आए हैं तो मस्ट विजिट प्लेस है ये भी। और अगर आप ट्रैकिंग के लवर हैं और जयपुर में आके मिस कर रहे हैं, और अगर आप जयपुर से हैं और जयपुर में इसको मिस कर रहे हैं तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। और भाई सुबह सुबह मतलब यहाँ का जो मौसम है बहुत ही खूबसूरत होता है। और पीछे मेरे आपको जलमहल की जो सीनरी दिख रही होगी तो ये सुबह सुबह जब सूरज उदय होता है तो ये काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो ये शॉट भी आपने देखा होगा, करीब से दिखा देता हूँ यार जलमहल का क्या लुक आ रहा है यहाँ से। तो देखिए यार कितना प्यारा लग रहा है। तो चलिए दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो गिव इट अ थम्स अप, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, टिल देन पीस। और ये ट्रैकिंग हम करने वाले हैं कहाँ की, हथनीकुंड। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो गिव इट अ थम्स अप, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। गुड मॉर्निंग जयपुर।